हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लिमिट का स्टार्ट करते हैं, है ना। लास्ट 3 लेक्चर में हम लोग ने लिमिट की काफी चीजें पढ़ी थी, आज हम लोग उससे थोड़ी से आगे से चीजें बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग आज पढ़ना चालू करते हैं वो करेंगे पहला स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखिएगा। पहला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है ध्यान से, एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। जो ये वाला टर्म दे रखा है ना, ये वाला टर्म इसके रिस्पेक्ट में कर दीजिए, एक एन आगे ले आइए, ठीक है। एन आगे ले आइए, पावर में क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, ठीक है। यही हमारा इसका पैटर्न होना चाहिए कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर। एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस ए, एक्स होना चाहिए, ए होना चाहिए, दोनों की जगह पावर सेम होना चाहिए और नीचे एक्स माइनस ए, साथ में ये 0/0 का फॉर्म होना चाहिए। अब एग्जांपल देखिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये दे रखा है। अब देखिए इसको मैं दो मेथड से करके बताऊंगा। पहला देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2। देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कौन सा फॉर्म है ये, कौन सा फॉर्म आप लोगों को देख के समझ में आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, जितना यहां पे जा रहा है वहीं पे ये वाली चीज आनी चाहिए। अगर ये दो की तरफ जा रहा है तो यहां दो आता, तीन के तरफ जाएगा तो यहां कितना आएगा, तीन आएगा, वही सेम। तो क्या होगा बताओ, टू की पावर टू इंटू टू माइनस वन, ए इंटू ए की सॉरी एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन, दैट इज फोर। अब यहां देखो, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू। तो ये और ये कट के क्या आ जाता, कट गया तो ये कितना आ जाता, चार आ जाता। तो दोनों तरीके से आप लोग कर सकते थे। एक क्वेश्चन और देखते हैं तो आपको अच्छे से और क्लियर होगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू फोर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू फोर एक्स की पावर फोर माइनस 256 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस फोर, ये हमारा देखे रखा हुआ है। तो देखो आपको यहां से क्लियर हो रहा होगा कि सर इस चीज को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू फोर एक्स की पावर फोर माइनस फोर की पावर फोर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस फोर। दिख गया हम लोगों को, पहले तो ये चीज भी लिखो यहां पे, 0/0 का फॉर्म है, ये लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो फोर डालो तो समझ में आ रहा है 0/0 का फॉर्म। अब देखो एक्स की पावर ए माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस एन, यही चीज आ रहा है। तो आपको देख के समझ में आ गया, हाँ सर आपने तो बिल्कुल सही बोला था। तो क्या आ जाएगा यहां से, देखो एक काम करो, हाँ ठीक रहे दो, तो 4 इंटू 4 की पावर 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा आपका ये 4 की पावर सॉरी 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया आपका 3, तो 4 की पावर 3 64, तो ये आंसर 256 ही आ जाएगा, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स की पावर 4 माइनस 81 अपॉन एक्स माइनस 3। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा सर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स की पावर ए माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। तो क्या होता है फॉर्मूला, एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 That is 3, तो 4 into 3 की पावर 3 108 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसमें एक नोट करके आप लोग लिखिएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये एन होता है, स्पेशल केस है किसका, आपका इस वाले का, जब ए की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो अगर ए की वैल्यू 1 हो जाए, 1 रख दो, 1 की पावर n माइनस 1 क्या होगा, 1 ही होगा। उसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हम लोगों का पार्ट था, इसको आप क्या करते हैं, इसके हम लोग क्वेश्चन में लिखता हूं और उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहां पे 3 क्वेश्चन लिखा है, ये 3 क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करते हैं देन आगे पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एग्जांपल नंबर 1, अगर उसको जो भी बोलना चाहे आप, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 क्या लिखा है, एक्स की पावर 7 माइनस 128 अपॉन एक्स माइनस एक्स की पावर 5 माइनस 32, ठीक है। तो क्या मैं इसको एक समय के लिए ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन एक्स की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5। तो आपको यह समझ में आ रहा है सर
यहाँ पे x की पावर a माइनस a की पावर n दिख गया, x की पावर n माइनस a की पावर n दिख गया, अपॉन में x माइनस a नहीं दिख रहा है, और नीचे वाले डिनोमिनेटर में वही चीज मैंने बोला, तो चलो एक काम करो x की पावर माइनस टू से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, x की पावर सॉरी x माइनस टू से, तो x की पावर 7 माइनस टू की पावर 7 डिवाइड बाय x माइनस टू, उसी तरीके से यहां पे भी x की पावर 5 माइनस टू की पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस टू, डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे से, जैसे मैंने डिवाइड किया तो क्या होगा, ये क्या बन गया, अलग फॉर्मूला बन गया, x की पावर a माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो क्या आएगा 7 इंटू 2 की पावर 7 माइनस 1, नीचे 5 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1, 7 अपॉन 5 2 की पावर 6 डिवाइड बाय 2 की पावर 4, तो 28 अपॉन 5, क्योंकि कट के 2 की पावर स्क्वायर बचेगा, दैट इज 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 1, x की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3, लिख सकता हूं मैं क्योंकि 1 की पावर 1/3 सेम ही होता है, आगे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 x माइनस x प्लस 1 लिख लेते हैं, x माइनस 1 बाद में लिखते हैं। अब देखो ये x की पावर a माइनस 1 की पावर a अपॉन x माइनस 1 दिख रहा है, अगेन अब ये कौन सा स्पेशल केस हो गया कि x की पावर n अपॉन x माइनस 1, ये क्या होता है, n होता है, ठीक है। तो सेम चीज में क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि 1 अपॉन x प्लस 1 तो बाहर निकाल लो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 क्या आ जाएगा, अब इसमें वैल्यू रख दो ना, तो यहां 1 रख सकते हो, यहां कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, ये बचा ये वाली चीज, क्या डायरेक्टली मैं इस चीज को 1/3 लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने बताया था डायरेक्टली ये क्या होता है, n होता है, 1/3 आ गया, आंसर कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये दो क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लिमिट, ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे क्या हो रहा है कि x प्लस x प्लस x, x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब अब टू कहां तक जा रहा है, x की पावर 20 तक, और ये 20 तक जा रहा है, मैं क्या किया, मैंने इसको 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 20 बार लिखा लिखा और एक एक वन सबके साथ दे दिया, दे दो एक वन सबके साथ, तो लिमिट x की पावर 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस लिमिट x 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस लिमिट x माइनस 1 x क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस, ऐसे करके जाते हुए क्या रहेगा, लिमिट x 1 x की पावर 20 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब देखिए दिख रहा है आप लोगों को, समझ में आ गया, इसके इससे वैल्यू आएगी 1 आएगी। अगला x की पावर n x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इसे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए वही वाला प्रॉपर्टी हो गया, कौन सा वाला, ये वाला लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर n अपॉन x माइनस 1, ये क्या होता है, n होता है, तो पावर जितना भी पावर दिखा वही वैल्यू आती जाएगी, तो क्या आएगा 3 प्लस 4 प्लस ऐसे करके अप टू 20 तक, फर्स्ट 20 नंबर का सम आप लोगों को पता है 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 210, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते थे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था जिसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन किए, अब हम लोग कुछ नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं जो आप लोगों को अच्छे से क्लियर करेगा और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट, वो क्वेश्चन करके फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए काम करते हैं, उससे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ध्यान से देखिएगा, मान लो अगर आपका x a की तरफ जा रहा है, मैंने क्या किया, अब x a की तरफ जा रहा है तो मैंने सोचा चलो भाई लिमिट को जीरो की तरफ लाना है, तो मैंने x के जगह एक बार डाल दिया a प्लस t डाल दिया, सॉरी हाँ x के जगह मैंने डाल दिया a प्लस t डाल दिया सब्स्टिट्यूट किया बेसिकली, लेट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a प्लस t। अगर आप x a की तरफ जा रहे हैं तो t कहां जाएगा, जीरो की तरफ, रखो यहां x इज इक्वल टू a रखो, तो a माइनस a कितना हो गया, जीरो, तो कहां अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ। इसका मतलब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, t कहां अप्रोच करेगा आपका, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। दूसरा देखो, अगर मान लो x आपका
जीरो की तरफ जा रहा, x कहां जा रहा आपका जीरो की तरफ। मैंने बोला चलो लेट सब्स्टिट्यूट करते हैं x बराबर 1 अपॉन t, ठीक है। तो अगर मैं मान लूं अगर आपका x जीरो की तरफ जा रहा है तो t जो यहां से होगा वो कहां जाएगा आपका इंफिनिटी की तरफ जाएगा, सॉरी x को इंफिनिटी लो ज्यादा बेटर रहेगा, अब मजा आएगा। x को इंफिनिटी लो, लिया x के लिए मैंने 1 by t डाला। अगर x आपका इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, x कहां जा रहा है आपका इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो t को कहां जाना पड़ेगा जीरो प्लस की तरफ, मैंने बताया था। तो यहां तक क्या बोल सकते हैं, t कहां जाएगा आपका जीरो प्लस की तरफ। मैंने ये बताया था आपको कि 1 अपॉन जीरो प्लस इंफिनिटी होता है और 1 अपॉन जीरो माइनस क्या होता है माइनस इंफिनिटी। जीरो प्लस मतलब क्या, जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा मतलब 1 अपॉन जीरो से बड़ा इंफिनिटी, और 1 अपॉन जीरो माइनस मतलब क्या, जीरो से छोटा निगेटिव नंबर, तो 1 अपॉन निगेटिव नंबर कहां जाएगा माइनस इंफिनिटी जाएगा, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन है, हम लोगों को याद रखना है कि किस तरीके से मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, सब्स्टिट्यूशन का तरीका बताया, ये चीजों को हम लोग यूज करके आगे क्या करते हैं। देखो एक और देखते हैं, मान लो थर्ड लिख लेते हैं, एक्स मान लो अगर माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो मैंने मान लिया लेट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय टी डाला। तो अभी मैंने बताया कि अगर अगर आपका x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो, और अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं x के जगह 1 by t, तो t कहां जाएगा जीरो प्लस की तरफ, और अगर x आपका माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और x के जगह 1 by t सब्स्टिट्यूट करूं तो t कहां जाएगा आपका जीरो माइनस की तरफ जाएगा। यह चीज ध्यान में रखिएगा हमेशा कि जीरो प्लस और जीरो माइनस वाली चीज, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन लिखता हूं बहुत सारे, देन फिर क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। चलिए इसको रोकता हूं मैं अभी, ओके ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। तो देखो ध्यान से, चार को पांच क्वेश्चन लिखे, पांचों पहले दो क्वेश्चन हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, अगले तीन क्वेश्चन नॉर्मल मेथड है। नॉर्मल मतलब जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ के रखा है उसके ऊपर रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन, एग्जाम्पल देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट 26 प्लस x माइनस 3, ये दे रखा है। मैंने क्या किया, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो मैं सोचता हूं कि सर रेशनलाइजेशन करना तो यहां पे कर सकते हैं, पर दिक्कत क्या आ गया, यहां पे क्यूब आ गया, रूट होता तो बहुत जल्दी अच्छे से हो जाता। तो मैंने सोचा यार ऐसे तो बड़ा दिक्कत आएगा, तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, ये पूरा इसका रूट को ही हटा देते हैं। तो 27 प्लस x को मैंने ले लिया, t क्यूब ले लिया, क्या ले लिया मैंने 27 प्लस x को t क्यूब, जो भी दे रखा था उसी वाले, क्योंकि यहां t क्यूब लूंगा तो क्या आ जाएगा, केवल नीचे t बचेगा 3 की पावर, ये क्या लिखा है एक्चुअली में इसको देखा जाए, मैं एक समय के लिए लिखूं तो मैंने 2 बाहर निकाल लिया ऊपर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस 1 नीचे आ जाओ तो नीचे क्या लिखा है x प्लस 26 की पावर 1 बाय 3 माइनस 3 लिखा है। तो अगर मैं यहां टी क्यूब ले लूं तो 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सिंपल सा टर्म बचेगा, तो मैंने ये ले लिया। अब मेरे को देखो, अगर आपका यहां पे x की वैल्यू 1 जा रहा है, x की वैल्यू कहां जा रहा है 1, तो t कहां जाएगा आपका 3, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखिए, तो 26 प्लस 1 27 का क्यूब रूट कितना होगा 3, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि t आपका 3 की तरफ जाएगा। चलो अब रख दो भाई, तो लिमिट t टेंडिंग टू 3, 2 तो पहले बाहर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां x की जगह रख दो, तो x की जगह 26 प्लस x माइनस 1 यही आएगा। डिनोमिनेटर में आ जाओ, आ जाए डिनोमिनेटर में, सही रखा है ना, एक मिनट ओके मिनट सॉरी x के जगह रखना है ना, तो x के जगह रखो, ये गलती होगी, देखो x के मैंने ये रखा है, मैं x के जगह क्या रखूंगा बताओ, t क्यूब माइनस 26 रखेंगे ना, x के जगह हम लोगों को रखना है, तो t क्यूब में हमने ये तो एज्यूम किया, पर रखना क्या है x के जगह t क्यूब माइनस 26, हमने ये रूट को देख के एज्यूम किया, ठीक है रखो, तो x की जगह t क्यूब माइनस 26 माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा टी क्यूब अपॉन 1 बाय 3 माइनस 3 यही आएगा। चलो रखो, तो लिमिट t क्या जाएगा t टेंडिंग टू 3, तो t क्यूब माइनस 27 डिवाइडेड बाय t माइनस 3, तो आपको ये देख के समझ में आ गया होगा a क्यूब माइनस, अब ये क्योंकि इस चीज को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू लिमिट t टेंडिंग टू 3 t क्यूब माइनस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय t माइनस 3, तो आपको ये देख के समझ में आ गया सर x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस n, तो क्या आ जाए x माइनस a, तो क्या आता है वो फॉर्मूला n इंटू a की पावर n माइनस 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 9 तो कितना आ गया 54 आएगा, ये आएगा ना 3 की पावर a की पावर n, ठीक है, तो n आगे a की पावर n माइनस 1
तो वही चीज लिख दिया हम लोगों ने, फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमेशा हम लोग इसके रिस्पेक्ट में करते हैं, 3 की पावर 3 क्या लिखेंगे, 3 आगे इनटू 3 की पावर n-1 दैट इज 3-1 ऊपर आला, 3 आगे लाया और पावर में कम कर दिया, तो वही चीज यहां पे हम लोगों ने इसको लिखा, ठीक है। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, रफ कर देता हूं मैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए क्या क्वेश्चन है हम लोगों का कि लिमिट, एग्जांपल है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, क्या लिखे रखा है, 1 - 3 × 3 ³√x² ये लिखा है। अब जैसे मुझे ये क्वेश्चन दिखा तो मैंने बोला सर अगर इतनी सारी नौटंकी करके रखी हुई है तो मैंने बोला कि चलो एक काम करो x² + 1 को t³ मान लो, क्या मान लो x² + 1 को t³, क्योंकि तभी तो ये हटेगा, तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि x² की जगह क्या रखना है, t³ - 1 रखना है x² की जगह t³ - 1। एक सेकंड, यहां नीचे x² नीचे केवल x होगा, नीचे केवल x है ये, ठीक है। अब रख दो, अब मैं ये बताऊं अगर x² 0 की तरफ जा रहा है तो t कहां जाएगा, 1 की तरफ, यहां रख दो 0 तो t³ = 1 तो t बराबर क्या 1 आ जाएगा, यहां से t जा रहा है 1 की तरफ, अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, जैसे डिनोमिनेटर में गए, एक सेकंड नहीं सॉरी सॉरी नीचे x² ही होगा, मेरी गलती है माफ करिएगा मुझे, ठीक है। चलो रखो x² + 1 का t³ तो 1 - 3 t³/t³ - 1 यही आएगा, तो रख दो भाई, तो लिमिट t → 1 1 - t / t³ - 1, तो नीचे वाला अगर मुझे दिख रहा है a³, अब चाहो तो पहला वाला जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो भी यूज कर सकते हो, या चाहो तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, मैं फॉर्मूले की बात करके बताता हूं। देखो कि आप लोगों को लगे नहीं ना कि सर वो वाला हर बार करते हैं, तो ये देखो, तो ये 1 - t / a³ - b³ क्या होता है, a - b (a²) + b² + a (b), तो a * b क्या होगा, t बचेगा। अब देखो ये और ये टर्म कट गया, तो यहां पे क्या क्या बचेगा, -1 बचेगा, तो क्या आया लिमिट, अब लिमिट की जरूरत है क्या, रख देते तभी भी लिख देते हैं एक समय के लिए, 1 - 1 / t² + t + 1। अब देखो क्या कोई 0/0 का फॉर्म है, नहीं, तो मान रख दिया डायरेक्टली, आंसर कितना आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन के एक दो क्वेश्चन थे, तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, नेक्स्ट देखिएगा आप लोग कैसे करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से मैंने कल प्रैक्टिस करनी थी इस वजह से करा दिया। देखिए क्या लिखा है, लिमिट x → π/2 क्या लिखा है यहां पे, देखो tan²x - sin²x - 1 ये लिखा है। अब जैसे मुझे यहां sin²x - 1 लिखा तो मैंने ये बोला कि चलो सर अगर ये लिख के रखा हुआ है तो मुझे देख के समझ में आ रहा कि पाई बाय टू रखो, तो ये कहां जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, और ये कहां जाएगा जीरो की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी इंटू जीरो, कोई एक फॉर्म होता है, हाँ एक फॉर्म होता है, तो कभी भी याद रखो इन्फिनिटी इंटू जीरो या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, इन्फिनिटी इंटू जीरो या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, तो उसको हमेशा या तो 0/0 में कन्वर्ट करना या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना, ठीक है। चलो अगला देखो, तो x → π/2 मैंने इसको लिखा sin²x / cos²x (sin²x - 1 क्या cos स्क्वायर को मैं 1 - sin² लिख सकता हूं, तो बोलोगे हाँ सर आप लिख दो भी, आपका मन कर रहा है तो लिख दीजिए, मैं बोलूंगा जरूर लिखूंगा, मैंने लिख दिया 1 - sin²x (sin²x - 1 क्या दोनों कट गए, कट के एक -1 भेज दिया, तो रख दो भाई -1 बाहर, लिमिट x → π/2 sin²x क्या अब ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है, नहीं है, पाई बाय टू रख दो तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x → ∞ क्या दिख रहा है, x + 3 - क्या दिख रहा है x - 6 जैसी मुझे दिखा कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म दिखा, जैसे मुझे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म दिखा तो मैंने बोला सर कन्वर्ट करते हैं 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर मार दो रेशनलाइजेशन, मैं भी बोलूंगा हाँ कर देते हैं रेशनलाइजेशन, तो मैंने कर दिया,
जैसे रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स माइनस सिक्स मल्टीप्लाई में एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस सिक्स अपॉन में जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दो, कर दिया। अब जैसे ही डिवाइड किया आपने तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि सर ऊपर तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो x प्लस थ्री माइनस एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड में अंडर रूट x प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस सिक्स, लिमिट कहां जा रहा है x टेंडिंग टू इंफिनिटी, x और x कैंसिल यही आएगा, तो 9 अपॉन अंडर रूट x प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस सिक्स लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब देखो ऊपर क्या आया, नंबर जा रहा है, नीचे क्या जा रहा है इन्फिनिटी, तो 9 अपॉन इन्फिनिटी क्या आ गया यहां पे, 9 अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग। क्या ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो आप चिल्ला चिल्ला के बोलोगे कि सर नहीं है, तो क्या डायरेक्टली मैं इसका आंसर जीरो लिख दूं, तो आप लोग बोलोगे हाँ सर लिख दो, क्यों, क्योंकि ऊपर एक कॉन्स्टेंट नंबर अपॉन बहुत बड़ा नंबर कितना होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। देखिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहां पे, तो ध्यान से देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी ये लिखा है, साथ में लिख के रखा है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सेवन माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस फाइव ये लिखा है। अब जैसे मुझे दिखा तो मैंने बोला कि काम करो डाल के देखो, तो जैसे ही डालोगे तो आपको समझ में आएगा ये कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग। ठीक है, तो अगेन इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, या तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या जीरो अपॉन जीरो में करें, तो आप चिल्ला चिल्ला के बोलोगे सर मार दो रेशनलाइजेशन, मैं भी बोलूंगा चलो भाई कर देते हैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सेवन माइनस टाइम एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस फाइव, दूसरे में आ जाओ तो क्या लिखा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सेवन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस फाइव। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सेवन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस फाइव यही आएगा। अब देखो ऊपर दिख रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या दिख रहा है ऊपर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस फाइव। अब डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सेवन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस फाइव यही रहेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी अभी भी जा रहा है, जा रहा है, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस फाइव एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस सेवन प्लस फाइव माइनस टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सेवन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस फाइव यही आएगा। चलो तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं एक मिनट में। ठीक है, देखो अब आगे सॉल्व करते हैं, तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले में कुछ कॉमन निकाल लो, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ऊपर वाले में एक कॉमन निकाला, क्या निकाला माइनस टू एक कॉमन निकाल लो, तो लिमिट क्या बचेगा 6x प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस फाइव यही बचेगा एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। अब देखो कभी भी इंफिनिटी ऐसे क्वेश्चन है ना, आप देखो x इक्वल टू इंफिनिटी डालो तो आपको समझ में आएगा कि ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म है। अब इंफिनिटी हमने क्या किया, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, कर लिया। कभी भी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के फॉर्म आए तो क्या करिए, जो भी हाईएस्ट डिग्री है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उससे डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करिएगा दिख रहा है नीचे कितना हाईएस्ट कितना डिग्री है x है, डिनोमिनेटर में कितना x, ये x स्क्वायर लिखा है प्लस रूट के वजह से क्या आएगा x बाहर आएगा। तो मैंने क्या किया यहां पे इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा ऊपर वाले को तो ऐसे ही रहने दिया माइनस सिक्स एक्स प्लस वन,
नीचे वाले से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, इससे भी एक्स स्क्वायर और इससे भी, तो कितना कॉमन आएगा, रूट की वजह से एक्स कॉमन आएगा। अब रूट के अंदर क्या बचेगा, देखो 1 माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। अब आगे आओ प्लस, यहां पे भी ऐसी अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, बचेगा। अब कैसे बचा, ये आपका बहुत बड़ा सवाल आएगा, तो मैं आपको ये करके भी दिखाता हूं। देखो अलग से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है, मैंने यहां से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालू, निकाल सकता हूं एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहां क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां 1 बचेगा माइनस 5 अपॉन एक्स, ये बचेगा प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बोलोगे सर कैसे, मैं बोलूंगा एक बार इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे यहां क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहां क्या होगा 5 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स कट जाएगा तो क्या ऊपर एक्स बचेगा, आ गया 7 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा 7 बचेगा। इस तरीके से मैंने वहां पे लिखा लिखा। अब देखो ये वाली चीज को अब यहां आओ, तो माइनस 2 लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी क्या होगा 6x अपॉन x, तो कितना बचेगा 1 बचेगा 6 प्लस 1 अपॉन x, अंडर रूट में आ जाओ 1 माइनस 5 अपॉन x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 7 अपॉन x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही है। अब देखियो अगर आपका x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1 अपॉन x कहां जाएगा, 0 की तरफ, मैंने बता के रखा है। 7 अपॉन x स्क्वायर कहां जाएगा, 0 की तरफ। 5 अपॉन x कहां जाएगा, 0 की तरफ। माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर कहां जाएगा, 0 की तरफ। मतलब ये सारा, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, सब जगह 0 की तरफ चला गया, और ये भी कहां जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो आप बोलोगे सर आंसर तो डायरेक्टली आ गया, अब ये 0 गया तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, माइनस 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये वाला चीज इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से आप लोगों को ये वाला चीज क्लियर होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे, आज थोड़ा कम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये वाली चीजें मैंने पढ़ा दी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे, डोमिनेटिंग टर्म करके आता है वो पढ़ेंगे, एंड देन फिर उसके आगे आप होमवर्क का मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा कि क्या आप लोगों को होमवर्क करना है, काफी होमवर्क आप लोगों का एचएससी बोर्ड वाले बुक से कर सकते हो, तो वाले होमवर्क भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। चलिए फिर तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।